10,000 का सेल्फ चेक। ये सेल्फ 10,000 किसके लिए? विकी बाबू के लिए। विकी के लिए? पिछले हफ्ते तो उसको 10,000 रुपया दिया है मैनेजर साहब। मिस्टर अशोक। यस सर। ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? विकी को चेक करने के लिए ना? कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ सर, लेकिन आपके नाम का ख्याल आ जाता है मुझे। अगर विकी बाबू इतना खर्चा नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि विकी बाबू सेठ कमल नारायण के बेटे हैं? शट अप। मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ? तुम्हारे हल किसने किया? विकी बाबू ने। मालिक। विकी ने? हाँ मालिक। मेरी बेटी आपकी फैक्ट्री में काम करती। मालिक, विकी बाबू ने छेड़ा, मैंने मना किया, उन्होंने हंटर मार मार के मेरी हालत कर दी। कहाँ है विकी? मैं यहाँ हूँ डैडी। अपनी फैक्ट्री की औरतों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। बस डैडी, खामोश हो जाइए, शर्म तो आपको आनी चाहिए इतने छोटे लोगों के सामने अपने बेटी की बेइज्जती करते हुए। बदतमीज। जाने दीजिए सेठ जी, बच्चा है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। वक्त, वक्त तो मुझे दिख रहा है मैनेजर साहब, मेरे ही कर्मों में कोई खोट है तो जो ऐसी औलाद पैदा हुई। वर्षा, तेरा टेलीग्राम आया है। मेरा? ये मुंबई से आया होगा, जरा पढ़ के सुना ना। क्या? अरे अब ये पढ़कर भी सुनाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पढ़ना है यार। अरे बोला ना मेरे पास टाइम नहीं। सारा थोड़ा पढ़ाई क्या करने तो भाव करने लग जाते, मेरे को भी पढ़ना था तो मैं इनकी तो। वर्षा क्या बे? तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया? मेरे पास टाइम नहीं, चल भाग। अरे मैनेजर साहब ने बुलाया? उसने बुलाया को, भगवान ने थोड़ी बुलाया। अरे नहीं तो नौकरी से निकाल दे। उसका बाप नहीं निकाल सकता नौकरी में, जेब में लोग घूमता हूँ। अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। चल क्या साहब, बुलाया क्या मेरे को? क्या बात है परशा, आज तुम्हारे तेवर बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। टेम टेम की बात है, अपना टेम बदल गया तो साथ में अपना तेवर भी बदल गया। अपने को फालतू कंपनी में काम करने का नहीं है, ये अपना राजीनामा है। राजीनामा? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं, मैं सारी जिंदगी चपरासी की नौकरी करता रहूं, मेरी बीवी सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीते रहे? नशे में बात कर रहे हो क्या? नशा? हाँ है ना, दुबई का नशा है, 5,000 रुपए की नौकरी का नशा है। और बोलो। परशा, ये दुबई वगैरह जाने वाली सब ऐसे बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अरे उसकी आप चिंता मत करो साहब, परसा को इतना बेवकूफ नहीं है क्या? ये देखो अपना सुबह टेलीग्राम है, ये देखो। क्यों साहब आप? मैं हंस इसलिए रहा हूँ परशा कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ। इस टेलीग्राम में लिखा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। क्या नौकरी? नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करो साहब, मैंने बीवी के गहने गिरवी रखकर वो आदमी को 30,000 रुपए डिपॉजिट दिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, वो सूदखोर पठान मेरे को बहुत मारेगा साहब, ऐसा मत करो साहब। कुछ नहीं होगा, तुम रुपए मुझसे ले लेना, जाओ। आपसे? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, जिंदगी में कोई काम जल्दबाजी में मत करना। नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगा। हर काम सोच समझ कर। बिल्कुल। अब जाओ। अरे मालिक, आप मेरे भगवान हैं मालिक। जाओ। मैं वो मेरा राजीनामा ले लूं। लो भाई, गाड़ी तो एकदम फिट और फिट हो गया है, ठीक हो गया है। निकालो 100 करोड़ निकालो भाई। ए, हमारे से पैसा मांगता है तू? पागल हो गया क्या? जानता नहीं हमारा उस्ताद का गाड़ी है? ए, हम तो अब तक खाली दो उस्ताद का नाम सुना है। हाँ। समझा, एक वो उस्ताद है भाई तो अंदर बैठा है, और दूसरा वो उस्ताद बड़ा भाई तो ऊपर बैठा है, समझा। निकाल पैसा, निकाल पैसा। ज्यादा बात किया ना, मेरा उस्ताद तेरी जबान काट कर तेरे हाथ में दे देगा। अच्छा, तू अगर ज्यादा बात किया ना, बिना पैसे दिए गया ना, तो मेरा जो उस्ताद अंदर बैठा है ना, वो तेरे और तेरे उस्ताद का पैंट शर्ट निकाल के चड्डी तेरे हाथ में दे देगा। तुम दोनों नौगा घर जाएगा, नौगा। ओ, नौगो घर जाएगा। किधर है तेरा उस्ताद? दिखा। देखना मांगता है? देखना मांगता है, देखना है नहीं। ये देख। ये उस्ताद है। Oh,
डका है साले। पैसे निकाल। ये ले। 100 रुपए शरीफों के लिए, बदमाशों के लिए 200। और लेना। ओए। जी जय भाई, क्या है? ये ले, 200 रुपए। 100 गल्ले में डाल देना, 100 गरीबों में बांट देना। भाई, भाई, मुझसे बड़ा गरीब दुनिया में कौन है? क्यों भाई? मौसी। अरे अजय बेटा, आओ बाबा। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, आओ अंदर आओ बैठो। मौसी, इसमें कुछ कपड़े हैं आपके लिए, साड़ी, और मीना के लिए कुछ प्रेजेंट्स। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, क्यों इतने पैसे खर्च करता है? क्या बात करती है मौसी, मेरा आप लोगों के अलावा है ही कौन? माना कि खून का रिश्ता नहीं है, मगर इससे भी एक बड़ा रिश्ता है ना। वो रिश्ता है अपनेपन का, न टूटने वाले जज्बातों का। क्यों, इतने दिनों बाद फुर्सत मिली है आपको? वो ये सब नहीं चलेगा, समझे? आपकी सब बहानेबाजियां स्टेल हो गई हैं। तुम ठीक कहती हो, मगर सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? बताओ ना मुझे। सच्चाई ये है, हाँ, कि तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। क्या? नहीं सुना मैंने, फिर से कहो। जो कहा ठीक कहा, यकीन ना हो तो मौसी से पूछ लो। माँ देखो ना, ये अजी कैसी कैसी बातें कर रहा है और आप चुपचाप खामोश सुन रही हैं। अरे तो वो क्या बोलेगी, कमाल है, तुम्हारे आपस का झगड़ा आपस में निपटो। बाबा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप सब एक जैसे हैं। आना मेरी गली में, देख लूंगी तुम्हें। सुनो, ये गली भी तुम्हारी और ये घर भी तुम्हारा है। मालूम है, मगर एक बात बताना, तुम अपनी आदत नहीं बदल सकते क्या? चलो हम अपनी आदत बदल देते हैं। ये बात हुई ना, जीते रहो बच्चे। मेजर चाचा। अरे मेजर चाचा नमस्ते। ये कोई वक्त है आने का? जानते नहीं आज रक्षाबंधन है क्या? है आप तो जानते हो हमारे धंधे को, सुबह गाड़ी गियर में ऐसी फंसी कि गियर में से निकालते हैं सुबह से शाम हो गई। वो पारो का है? सुबह से राखी लेकर आपका इंतजार कर रही है। जाओ अंदर जाओ, राखी बंधवा लो। जे भाई मैं भी कर लूं, बाल छोड़ो। पारो पारो। नाराज हो मुझसे? अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ ना, मुंह बोली बहन हूँ, इसलिए तो इतनी देर से आए हो। काम में देरी हो ही जाती है, कहा ना माफ कर दो। रक्षाबंधन। देखो अभी बहुत हो गया, सीधे सीधे राखी बांधो। बहना मेरी मुझको भी भूल न जाना, बहना मेरी ओ बहना मेरी। अरे ये क्या हो रहा है? इसे भी इसी वक्त पंक्चर होना था। आज मैं जवान हो गया। अरे भाई देखो तो, रुको। यहाँ कैसे खड़ी हो? कॉलेज जा रही थी, रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गई। तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर इस साइकिल का क्या करूँ? साइकिल तू एक काम कर, ये साइकिल ठीक करा के इनके कॉलेज छोड़ देना। मैं ज़्यादा, ये काम करते हैं, ये साइकिल को जीप पर रख लेते हैं। तेरी तो मौके की नजाकत को समझ, चल। ओह समझ गया। मीना थैंक यू। अवसर है। वाह भाई वाह भाई, भगवान मेरी भी एक पंक्चर वाली साइकिल वाली से मुलाकात करवा दे। मौका अच्छा है, अपने दिल की बात कहते। हाँ तो मीना, हाँ पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, आज मैं कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ, बस 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। कहाँ पढ़ाई का राग छेड़ दिया, दिल की बात कर, दिल की। मीना, हाँ एग्जाम देने जा रही हो तुम? हाँ। कौन सा पेपर है? होम साइंस का। होम साइंस, वो जिसमें खाना बनाना सिखाते हैं? ये तो तुम्हें मौसी भी सिखा सकती है। अरे बाबा आजकल के जमाने का होम साइंस बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे ले लो आलू का परोठा बनाना, होम साइंस में ये सिखाया जाता है कि किस प्रोपोर्शन में नमक जीरा मिर्ची वगैरह डाले जाते हैं। कभी खिलाओ तो हम जाने। अरे नेकी और पूछ, कल घर पर आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के परोठे खिलाऊंगी। और वैसे भी मुझे कौन सा होटल खोलना है, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए सीख रही हूँ।
अगले बार ऑटो का चक्कर छोड़, कॉलेज आ जाएगा, जल्दी बोल दे। मीना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अभी कॉलेज आ गया, कल बताऊंगा, ठीक है? लो मीना, तुम्हारा कॉलेज आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, आलू के पराठे मुझ पर उधार है। ओए सा भाई, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए आइए परशुराम जी आइए, धन भाग हमारे जो आप हमारे ग्रास में पधारे। अबे मुर्गा जगह जल्दी जाके दो लक्कड़ साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है, मैं चलता हूँ, तुम जा चाय लेकर आओ। परसा जी आइए आइए। क्यों मियां छोटू कोशे हो? बहुत परेशान हूँ। क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। है? कैसे हो बाबा, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके पास जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे नहीं। एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ। मेरा तो जी चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा, जा अपना काम करना यार। कमाल का आदमी है, 200 रुपए का तेरे साथ मैं कैसे। एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है? हाँ बाबा मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा पर चला। आदसा बेवकूफ रहा है तूने मेरे मालिक जा भाई को। साला बेवकूफ तो तू मेरे को लगता है। ऐसे अबे अजय का माल मेरा माल, उसकी जेब में रहे कि मेरी जेब में रहे, तेरे बाप का क्या जाता है। अजय साला मेरा वो है, क्या बोलते उसको यार, फैमिली मेंबर। तेरा को पूछा था मैंने तो क्या को मुंह में से टपका है, जब भी पूछूंगा तभी बोलने का, अभी बोल। फैमिली मेंबर। तो समझ में आ, अजय मेरा वो है। अजय मेरा कौन है? फैमिली मेंबर। तेरा पूछा था मैंने। अरे शराब भी क्या चीज है, पियो तो भी चढ़ती है, नहीं पियो तो भी चढ़ती है। अरे मगर तू मेरे ऊपर कितना चढ़ रहा है, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? अरे खाली बोतल से जाके पूछ, मेरा नाम बताएगी। अरे तो तेरे दारू चढ़ने की तमाम खाली बोतलें आवाज दे रही, उधर जाना, इधर का को खड़ा है। ए बाटली लो, ये इधर खड़ा है। आ गया मैं। आप लोग को मेरा सलाम बोलना। आ जा आ जा, जा। संभाल के करना। आ जाओ जाना नहीं, तू हमारा आदमी है। लो देखो कौन है। कौन है बे? अबे इधर नहीं यार, उधर देख कौन है। अबे तू बोल तो सही कौन है। अरे तेरे मालिक का पिया है यार। अबे मेरा पिए तो ये खड़ा है, सीधा खड़ा रहे बे। अरे नहीं परसा, तेरे सेठ का पिया है यार, वो देख ना। अरे आप सेठ? हाँ मालिक। आए जा प्यारी। अरे बे आए सलाम। सेठ सलाम। मैंने सेठ? अरे नहीं यार परसाद, तो वो कितनी बार बोला वो सेठ नहीं है, सेठ का पिए है। अबे खोचू, आज जमाना सीधा हो गया है, उल्टा हो गया है। अबे पहले उल्टा था, उल्टे को वापिस उल्टा किया तो सीधा। अबे बिना पैसा चुकाए कहाँ जा रहा है, तेरे बाप का मालिक है? बाप का नाम नहीं लेना, चलो पैसा मांगता है। हाँ। ले पकड़ दे, चल दे। मेरा पैसा किधर है? एक काम कर, तेरे घर में जवान बेटी है ना, एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, ये पूरा शराब खाना तेरे नाम कर दे। शराब मेरी बेटी है?
मेरी जिंदगी का एक असूल है। मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलूं मैं आपको? नहीं, कुछ मत बोल। मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये तो आप रोज बोलते हो। नहीं, मैं आज आखिरी बार बोल रहा हूँ। हमें समझ में आ गया, बहुत खराब चीज है शराब। आदमी की इज्जत, मान, मर्यादा सब खत्म हो जाती। मैं नहीं पीऊंगा। मैं तेरे पैर पर हाथ लगा के बोलता हूँ, चलो चलो घर चलो। मैं कभी चलो चलो मैं कभी नहीं पीऊंगा। चिंता नहीं है मुझको, उसके लिए लड़का ढूंढ लिया मैंने। हिरेक, ये मेरा शेर। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। Thank you.
तुम हम बरसात में बरसात है। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ है। बाहों में आजा चाहत की अर्जी है, हम तुम कैसे ना मिलते कुदरत की मर्जी है। मर्जी तो है लेकिन कितनी क्या जल्दी है, मैंने तो जिंदगी राम तेरे कर दी है। दिल से मिली दिल को ये साथ है, साथ है। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ है। मीना कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। हा? क्या बात है, सब खैरियत तो है? लो कर लो बाबा। अरे बाबा, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना, कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ फिकर मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बोला ना मैंने, डैडी से बात कर लूंगा। चल उस्ताद। हाँ तुम्हारी माशूक, आज का पेपर तो बहुत इजी। वो देख तेरा आशिक खड़ा है। अरे किधर चली स्वीटहार्ट? डार्लिंग मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? अभी भी कोई जवाब बाकी है? रात बाकी है, बात बाकी है, और मेरे हर सवाल का जवाब बाकी है। नहीं आती इस तरह की घटिया हरकत करते हुए, तुम्हें जरा भी अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं? प्रिंसिपल साहब होश में बात कीजिए। आइंदा तुमने इस तरह की गंदी हरकत की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। वाह व्हाट अ ब्यूटी। इसको धर्मयुग में ये नव भारत टाइम्स। आपको किस मैगजीन में भेजूं जनाब? जहां आपका दिल करे। आप बोल रही है क्या? मैं बोल रही हूँ, आपका दिल क्या कहता है? जानती हैं दिल क्या बोलता है? क्या? दिल तो यह कहता है कि आपको अपने दिल की मैगजीन में छाप दो। मीना तेरा लेटर आया। मेरा लेटर? कॉलेज के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा।
मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे क्या बकवास करती है, लिफाफा तो बड़ा रंगीन है। माय डार्लिंग नीना, ये मेरा पहला प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। नाराज? मिलोगे तो थप्पा मारूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय मेरी जान। व्हाट नॉनसेंस। अरे अरे ये क्या कर रही हो, ऐसा रोमांटिक खत फाड़ा नहीं जाता। अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसी पल तुमने मेरा दिल लूट लिया था। क्या मीना, सच में तुमने दिल लूट लिया था? एक थप्पड़ मारूंगी तो तेरा चश्मा वश्मा उड़ जाएगा। आगे पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है? मेरे अगले खत का इंतजार करना। खत लिखने वाले का नाम? नाम नाम तो नहीं, शायद उसकी जगह पे उसकी तस्वीर का एक टुकड़ा है। मीना कौन है ये प्रेम दीवाना? शट अप, बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का मालूम होता है। दे फाड़। नहीं नहीं मीना, इसे मेरे पास रहने दो। इसकी नकल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी और वो मेरे प्यार में पागल होके मजनू बन के अपने कपड़े फाड़ देगा। अरे बाबा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे ठहरना, एक पेंसिल तो खरीद लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक पेंसिल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ मैडम, ये बहुत बढ़िया सेट है। कितना खूबसूरत है ना, इसे दे दीजिए। जी। पर ये कितने का होगा? सिर्फ 150 रुपए का। 150 रुपए? जी। ठीक है, इसे रख लीजिए, मैं 4 दिन बाद आकर इसे खुद ले। अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ, ले लो। नहीं थैंक यू, मैं किसी से कर्ज नहीं लेती। भाई साहब वो पेंसिल कहाँ है जो ये? ये रहा। बहुत मजा आया। हाय जानेमान, कुछ खरीदा नहीं आपने? अरे हमसे कहिए ना, आप कहें तो सारी दुकान खरीद लेंगे हम आपके लिए। मीना। अरे अजय आओ। मीना मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन। बोलिए। ये आपका पार्सल। तू मीना, पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली? अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। माई डियर मीना, ये पेंसेट तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेंसेट भेज रहा हूँ। मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करना, तुम्हारा। राहों में
हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जानू क्यों होता है। ओ बाहों राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। मासूम अदा अंदाज नया फूलों से हंसी वो चेहरा है, मासूम अदा अंदाज नया फूलों से हंसी वो चेहरा है। मेरे ख्याल की वादी में उसका ही सिर्फ बसेरा है। ओ हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल भर आने वाले हैं, मेरे दिल भर आने वाले समझते हो, वैसी लड़की नहीं हूँ। आईना ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना। और सुनो, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे माँ बाप मेरे लिए पसंद करेंगे। अंडरस्टैंड? जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुजदिली है। जो चीज प्यार से नहीं हासिल होती उसे हम छीन लेते हैं, चाहे ताकत के बल से या फिर दौलत के बल से। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। दौलत के सहारे हम तुझे झुका देंगे, खरीद लेंगे तुझे और तेरे इस घमंड को। हमें हमारे बाप की कसम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है?
एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए राजा। अरे कहाँ गए? एक मिनट माँ, अभी आया। हाँ अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं, और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया। क्या, पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की, कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे। क्यों? ओ माय गॉड, मुझे बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला भाई। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ लड़की है वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है, बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल इस लड़की का नाम क्या है। लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है, रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकूं? अच्छा प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? अरे बताना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ हाँ, परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए। बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, आप कहाँ मैं कहाँ। अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया। बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब, क्यों मजाक करते हैं? काम है, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी, ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता, उसके पास रखा ही क्या है, न घर न दौलत, तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी है, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी, आप किस सोच में पड़ गए? देखिए आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ, मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। बुरा नहीं, मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओ यहाँ बैठिए, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है, अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा बीए पास है। क्या, लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान, कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है। अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है। लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था
अरे तू वादा करने से क्या होता, कोई शादी तो नहीं की है? और उसके पास है ही क्या, न घर न दौलत न जमीन न जायदाद, एक छोटा सा गैरेज है वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात है, उसे हम क्या जवाब देंगे? मुझे किसी के सवाल और जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है, इसलिए ज्यादा बकबक नहीं किए। सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है? मीना बेटी? ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ? अरे बेटी इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। बेटी बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है और अच्छा सुंदर लड़का है। देख मैं साथ में तस्वीर भी लाऊं। देख। बाबा अब मैं क्या देखूं, जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि तू देख ले, मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का पसंद आएगा, मगर तू एक बार देख ले। देख लेना बेटी। कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम।
धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो परशुराम जी। धन्यवाद दीनानाथ जी, ये गरीब की बेटी को अपनी बहू स्वीकार करके आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं परशुराम जी। सच बात तो ये है कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा हमें देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही है। आखिर फंसा ही लिया ना उसे, हमसे तो तू उस्ताद निकली। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक मुबारक हो भाई। थैंक्स। अरे क्या बात है परशुराम जी, भाई खत्म कीजिए, खाना भी खाना है। वाह वाह दीनानाथ जी, आपने परशुराम जी से रिश्ता करके अमीरी और गरीबी के बीच मिसाल कायम कर दी। चोरी खेले दोनों आँख में चोली, आजा 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 आ भी जा दिल रुबा, आजा 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 आ भी जा दिल रुबा। नबाबा नबाबा मुझे डर लगता है, घड़ी घड़ी दिल धक धक करता है, नहीं 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 अभी नहीं।
मुझे नींद न आए मैं क्या करूं, हो मुझे चैन न आए मैं क्या करूं, हो मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए तेरी याद सताए मैं क्या करूं। चल भाग चल कहीं हम जोली चोरी चोरी खेले दोनों आँख मिचोली आजा 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 आँखों में छुपाऊं जरा पास आ हो, हो तुझे दिल में बसाऊं जरा पास आ हो, हो तुझे आँखों में छुपाऊं तुझे दिल में बसाऊं तुझे अपना बनाऊं जरा पास आ।
वक्त ने किया है मुझसे डरा दवा, चाहा था मैंने उसको ये मेरी खता, ये करम अगर न होता, ये करम सा मोटर मैकेनिक, तेरे पास है क्या? मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? दो कौड़ी के मामूली इंसान। अजय, अजय ये
बचे क्या गया है करने के लिए? अजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ना ही मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इतनी अनजान बनकर मेरे दिल को मत जलाओ। खुद तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। मेरा यकीन करो अजय, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात तुमसे तय की थी, बल्कि उनके कहने के बाद ही मैं राजा को अपना दिल दे बैठी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हूँ अजय, जहाँ से मेरा लौटना नामुमकिन है। मेरा भी तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं मजबूर हूँ अजय, मुझे माफ कर दो। राजा के बिना नहीं जी सकती। मैं अपने राजा के बिना अपने प्यार की भीख मांगती हूँ तुमसे। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो अजय, अजय मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। खुश रहो। इस तरह की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुद्धली है। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। गरीब नहीं, गरीब। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। गरीब नहीं, गरीब नहीं। सरकार, कुछ ज्यादा ही खो गए आप मीना के ख्यालों में। मीना ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं उसे अपनी दुल्हन किसी भी कीमत पर बनाऊंगा। सरकार, जरा सोचिए, आप कहां और वो कहां? वो एक मामूली चपरासी की बेटी, और आप इतने बड़े रईस के बेटे हैं। सेठ जी की आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। जो आत्मा चली गई उसके बारे में क्या सोचता? मेरे बारे में सोचो। मुझे मीना चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मीना चाहिए। ठीक है, अगर इतना ही कहते तो मीना मिल जाएगी। समझो कि मीना मिल गई। उसका बाप बड़ा लालची है, आपके सोने के जाल में वो फंस जाएगा। छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, इनकार मत करना। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है उससे बड़ा तोहफा और दुनिया में क्या होगा? रख लो मीना, मैंने ये खास तुम्हारे लिए खरीदा था। ये भी नहीं लगी। नहीं लगी? अच्छा, ये लॉटरी तो नकली लगेगी। इसको देखो, बराबर देखना। गए महीने में लगी थी। ये भी नहीं लगी। तेरा मनु बंद करना। क्या कहा? ये भी नहीं लगी।
अरे यार मैं, अच्छा ये देखो, ये तो लगेगी, ये तो लगेगी। नहीं भाई ये भी नहीं लगेगी। ये भी नहीं? ना अगर आए थे कि नहीं सुबह सुबह? हाँ हाँ। ये देखो सीधा पकड़। अरे नहीं भाई ये भी नहीं लगी। तुमको पढ़ना वढ़ना आता है कि नहीं? खाली पेपर पकड़ भाई आता है। पेपर काय को लिया, हवा खाने के लिए? चुपचाप पढ़ने तो टेबल खींच के मारूंगा तेरे मुंह पे। बोला मुझे क्यों? देखो बट्टा साला, तो मेरा दिल चल रहा है। देखो ये आखिरी लॉटरी है, लगनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा। हाँ लगी ना? नहीं भाई ये भी नहीं लगी। नहीं लगी? टिकट रखो, गिरोडो मनु साला निकल। कुल्लू का पट्टा साला बर्बाद करके रख दिया। लॉटरी रहने दे तुम मेरे साथ। अरे तू मेरे साथ चल, ऐसी लॉटरी लगा दूंगा कि तू भी बोलेगा अरे क्या अपने को भी सेठ मिला था। तेरे बाप की लॉटरी छापने की दुकान है क्या? तू मेरे साथ। अरे चला नहीं आता। अरे तू किधर लेके जाएगा मेरे को? अरे इतना नुकसान हो गया मेरा यार। क्या हुआ? ये हिरन घर में आके कैसे बैठ गया? अरे नकली है। आगे चल, आगे चल, चल। हाँ यार। मेरे को डर लगता है। अरे भाई क्या कहा रहा है? ये कौन सी जगह है यार? मैं तुझे बोला था ना तेरी लॉटरी लग जाएगी, यही है तेरी लॉटरी। ये इतना बड़ा सरकारी ऑफिस और मेरी लॉटरी है क्या? ये सरकारी ऑफिस नहीं है, ये सब अब तेरे नाम हो जाएगा। सुबह सुबह दारू पी गया सारा, मेरे को पिटवाएगा क्या? अरे चल चल चल, तू छोड़ ना। नहीं तू क्या करता? मैं नहीं, मेरे जाने दे ना। अरे बैठ बैठ ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठ। अरे पांव नीचे करके बैठ। अरे ऊपर बैठ, पांव नीचे करके बैठ। तू क्या करता यार? कभी बोलता नीचे करके, कभी बोलता ऊपर करके। बैठ 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 बैठ। सब फोन। हेलो। हाँ बोलो। सर सेठ परशुराम जाए हैं। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, तुम उन्हें बैठाओ, दारू वारू पिलाओ, समझ गए ना? ठीक है सर। सर थोड़ी सी दारू मैं भी पीनू। शराब। ये मेरे लिए? हाँ ये सब तेरे लिए। ए सुन क्या रहा है, पिलाई थे पिलाई थी, पी ले। इसको घर में ले जाके पीऊंगा। अरे घर ले जाने के लिए बहुत है, ये यही टिका ले, टिका ले। अच्छा क्या? अभी मेरे को समझ में आता है मेरे को यहाँ क्यों लेकर आया है। क्यों? नौकरी से निकलवाने के लिए नहीं? नौकरी से निकलवाने के लिए नहीं, मालिक बनाने के लिए ले आया हूँ। अच्छा अच्छा, सीढ़ी लगाता है मेरे को। मैंने ऐसा कौन सा कारनामे किया जो मैं मालिक बन जाऊंगा? अभी कारनामे बरसों पहले दिखाए, इनाम अब मिल रहा है। तू क्या बोलता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तेरे कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आएगा। मालिक अरे सर अपने ऑफिस में काम करते हैं, चपरासी है। अशोक तुम जानते हो कि हमारी नजर में नौकर मालिक चपरासी सब एक होते हैं, इंसान इंसान होता है, आइंदा याद रखना। बैठिए ना। मैं? नहीं नहीं सर, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों हम इंसान नहीं है क्या? नहीं नहीं, आप कहाँ मैं कहाँ, मैं तो एक। देखो जहाँ तुम वहाँ हम, आइए बैठिए, ये फासला भी दूर कर लेते हैं। बैठिए सर। ऐसा आइए आइए। क्या पियोगे, विस्की या ठर्रा मंगवाएं? मालिक के सामने हम कैसी बात करते हैं? अरे पी लो, तुम्हारे मालिक बड़े दयालु हैं। नहीं मैंने छोड़ दिए, क्या वो मैनेजर साहब को पता चलेगा तो रिश्ता टूट जाएगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी, मैंने पिता नहीं थी। अरे मैनेजर की क्या औकात जब मालिक तुम्हारे साथ हैं। हाँ सर तुम मैनेजर हो जी? हाँ। ये क्या मजाक करते हैं सर? नहीं बिल्कुल नहीं, सही कह रही है, तुम्हारी तरक्की कर दी हमने, आज से तुम मैनेजर। मैं मैनेजर? ये मालिक क्या बोलते हैं? अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये मैं पीजू? हाँ। मैनेजर? अरे मैनेजर की ऐसी की तैसी, आज से तू मैनेजर। ले मैं मैनेजर? हाँ। उसकी ऐसी की तैसी? हाँ। बैटली पकड़े। कौन है? अबे बैटली पकड़। मैं सुना अशोक, मेरे से बदतमीजी किया ना तो कान पकड़ के नौकरी से निकाल दूंगा, तेरी औकात क्या साले? मालिक, अरे मेरे मालिक, अरे तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे सब कुछ हो,
तुमने एक दिन में मेरे को चपरासी से मैनेजर बना दिया। तुम मेरे भगवान, मेरा मालिक हो। अरे भैया अभी उठो, घर जाकर पी लेना। नहीं नहीं, मेरा घर जाने को मन नहीं करता, मैं मेरे मालिक के चरणों में पड़ा रहूं। वो चरणों में पड़े रहने के लिए जिंदगी बाकी है, ये भी ले लो, रास्ते में टिका लेना। ले लो मालिक, हमारी तरफ से तो। अच्छा मैं कौन हो रे? चपरासी। मैं चपरासी बोलता हूँ। आज से इन्हें चपरासी नहीं मैनेजर साहब बुलाएंगे, ये हमारे बहुत खास आदमी हैं। मैं कौन? मैनेजर साहब। जोर से बोल। मैनेजर साहब। थोड़ा आस्ते बोल। मैनेजर साहब। इतना भी नहीं, तू मेरे घर आना, मैं तेरे को चाय पिलाऊंगा। खुद दारू पीता है और मुझे चाय पिलाता। क्या बोला रे? कौन बोला? मैं बोला? मैंने कुछ बोला? मैं कौन? ले तू मेरे घर आना, मैं तेरे चाय पिलाऊंगा। चाय पिलाऊं? मैं दिखाऊंगा कि दुनिया में हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। मैं दुनिया की हर चीज दौलत से खरीद के दिखाऊंगा। परसराम, ये है तुम्हारा बंगला। कौन है? मैं। लगता है पहले ही दिन तोड़ देगा। क्या नरम नरम खटिया है? अरे ये खटिया नहीं, ये सोफा है। अरे सो तो है, फा हो या ना हो तेरे बाप का क्या जाता है। सोने दे यार। चल उठ उठ। क्या यार, सारी जिंदगी बड़ी है सोने के लिए। उठ उठ, ये सब मेरा है। ये तेरा है। अरे शुक्रिया अदा कर अपनी बेटी का, जिसने तेरा भाग्य चमका दिया है। बेटी को चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे कि मैंने उसको पैदा किया है। पीछे हट और आगे बढ़। चल। क्या हुआ? अरे तो मरा हुआ शेर है। अरे यार ये पैसे वालों की दुनिया में पता नहीं चलता कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है। देखो ना, मुर्दों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते, जिंदों के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। समझ में आया? तेरा ये मरा हुआ है। तेरी तो। ठर्रा? अरे ये ठर्रा नहीं, ये विस्की है। किसकी है? विस्की है। नहीं, किसकी है? विस्की है। अरे किसकी है? तेरी है। तो ऐसे बोल ना। अरे वाह, बैठ बैठ। ये किसका है? ये तेरा है। बैठ बैठ। तू खाली तेरा मेरा बोलता है, मगर मेरा करता तो है नहीं इसको। अरे हाँ, चाबी किधर गई? अब जाके जान में जान आई। पाँव नीचे रख, पाँव नीचे रख, चाबी दे यहाँ। है ना यार, थोड़ी देर के लिए सेट पे ना महसूस तो करने दे यार। अच्छा एक बात बता, ये बंगला वैसे है कितने का? मिलने से पहले बेचने का प्लान बना रहे? अरे नहीं यार, कोई अड़ोस पड़ोस पूछेगा या बीवी पूछेगी कि कितने का लिया, तो बोलूंगा ना कि 400-500 का लिया। बोला कितने का है? बोल देना लॉटरी में मिल गया। लॉटरी में बंगला मिलता है तेरे बाप का राज्य क्या? अरे बोल देना यार, तेरे बाप का क्या जाता है। अच्छा अच्छा, ये बंगला किसका है? ये तेरा है। तो तू इधर क्या कर रहा है? चल खड़ा हो, बट मानिकल ठहर, तेरा वो मरा हुआ शेर लेके जा। चल 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 मानिकल चल। सब मेरा है, सब मेरा है, मेरा सब मेरा है। वाह वाह सेठ परशुराम, अपनी बेटी का सौदा करके शराब पी रहा है। अबे चल साला, आज बोलने का जब मैं भूखा मरा था तो आया था मेरे पास। क्या बात है मालिक, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। परशुराम अभी तक नहीं आया। आ जाएगा सर, दाना टाल दिया है, चिड़िया खुद ब खुद चलकर पिंजरे में आएगी। सलाम मैं तो साहब बन गया, सलाम मैं तो साहब बन गया। ओहो साहब, आप आज तो सूट बूट, वारे वाह वाह वाह। रुमाल उठा के दे। मैं? और नहीं तो क्या, मैं उठाना? ओ मेरे पैर छू रहा है, जीते रहो। सलाम करो। अबे सलाम करना। हाँ, पगार बढ़ा दूंगा तेरी। अरे अरे क्या है? इरादा क्या है? वही जो तेरे मन में है वही मेरा इरादा है। पूरा खाऊंगा मैं। चल ये मत कर, जा पटियाला पैग लेकर आ जा। फटेला? फटेला नहीं, पटियाला पैग। पटियाला वो क्या होता है? मेरे मालूम हो तो तेरे को आगे बोलता, जा लेकर आना। लाता है ना, अभी लाता है। सुन
वो बड़ा होता है पटियाला, पटियाला नहीं बे पैग। हाँ पैग पैग लाता है ना, लाता है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तेरा सत्यानाश हो अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो कमबख्त घोड़े के दांत बंद कर। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तू तू कान पकड़ और उठ बैठ कर। अब ये मेरे कान है खुद के कान, चल। सर ये कैसे कैसे लोग आपने जमा? वाह परशुराम जी वाह, ये हुई ना बात है? अब आप हमारे बराबर के लगते हैं। क्या लगता हूँ सर? ससुर लगते हैं आप, इनके ससुर लगते हैं। क्या बकवास करता है सर? ये मैं नहीं बोला, ये अपनी तरफ से बकवास कर रहा है सर। परशुराम जी ये ठीक कह रहे हैं, अगर आपको इतराज ना हो तो हम आपकी बेटी मीना से शादी करना चाहते हैं। यानी कि ये आपको ससुर बनाना चाहते हैं? मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। क्या सोच रहे हैं आप, आपको ये रिश्ता पसंद नहीं? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मैं सोच रहा था कि मैं वो मैनेजर को क्या जवाब दूंगा। उन्हें हम जवाब देंगे, वो मैनेजर है क्या चीज है, ये मालिक है, फैसला आपके हाथ में है। एक प्राइवेट बात करनी थी, दो मिनट अगर? दो मिनट ओके मालिक। हाँ आप मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, दिल से कह रहे हैं। हाँ दिल से कह रहा हूँ। तो अपना हाथ दीजिए, मैं आपके हाथ में हाथ देकर वादा करता हूँ सर कि मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करूंगा। मैं वादा करता हूँ सर। चेयर्स। ये देख थोड़ा पुराने फैशन का है रेडी। ये देखो भाई, अब जल्दी से कोई पसंद कर लो और छपने के लिए दे दो, उसमें भी टाइम जाएगा। कितने रिश्तेदारों को भेजना है, अब किसी को नहीं पहुंचेगा तो बेकार दो बातें सुननी पड़ेंगी। वो तो सब ठीक है मगर हर काम अच्छा होना चाहिए। देखिए मेरे इकलौते बेटे की शादी है, सारे इलाके में धूम मच जानी चाहिए और बैंड बाजे वाले तो नंबर वन के होने चाहिए और मंडप से जाने वाले भी नंबर वन के होने चाहिए और मेरे दूल्हे राजा के लिए सबसे शानदार घोड़ी मंगवाना। यस डैडी, और खाना भी ऐसा होना चाहिए कि लोग बरसों तक याद रखें। हाँ नमस्ते बहन जी। नमस्ते। लगता है संधि जी के यहाँ से आए हैं, जरा देखना तो। हाँ अभी देखती हूँ, आइए ना अंदर आइए। नहीं हम बैठने के लिए नहीं आए, शेख परशुराम जी ने आपके लिए ये भेजा है। अच्छा अच्छा, मगर आप कुछ करो चाय पानी, अब हम चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते। लगता है ससुर जी ने लाडले दामाद के लिए बहुत भारी तोहफा भेजा है। देखे तो सही, ये तो सारी वही चीजें हैं जो हमने मीना को मंगनी पे दी थी। ये चिट्ठी कैसी है? मीना की मंगनी पर दी हुई शगुन की सारी चीजें लौटा रहा हूँ, मतलब साफ है अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये अचानक क्या हो गया मीना के पिताजी को? ऐसे कैसे हो सकता है, सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तुम चिंता मत करो, मैं परशुराम से बात करके आता हूँ। सुनिए समधी जी आपसे मिलने आए। भगवान से छोटे लोगों से मिलने का टाइम नहीं मेरे पास। फालतू की बातें छोड़िए और जाकर उनसे मिलिए। अरे भाई मैं क्यों मिलूं, मैंने बुलाया क्या उसको? अरे वाह आपने बुलाया नहीं तो क्या हुआ, घर आए मेहमान से नहीं मिलना चाहिए क्या? चलिए जाकर मिलिए उनसे। अच्छा मिलता हूँ अभी, मिलता हूँ और देखना कैसे मिलता हूँ। बोलो मैनेजर। मंगनी का शगुन लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे बच्चे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत करो। तो क्या करूं, अपनी बेटी का मुकद्दर फोड़ दूं, 3,000 रुपए के मैनेजर के बेकार से बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? क्या बात करते हो यार, तुम कितना बदल गए हो परशु। बदल तो गया हूं क्योंकि मेरी बेटी की तकदीर बदल गई है, और जब इंसान की तकदीर बदलती है तो उसकी हैसियत बदल जाती है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं। अभी तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत फर्क पैदा हो गया, तुम इधर हो और मैं उधर चला गया हूं। फिर भी उतना फर्क नहीं है जितना कल तुम्हारे और हमारे बीच में था। हम कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, लेकिन वक्त ने तुम्हारा थोड़ा सा साथ क्या दिया, तुम अपने कल को ही भूल गए। अरे काय को कल को, साले को याद रखूं यार, कल ने मेरे को दिया क्या, आज की बात करो आज की। अरे एक बात बोलूं, तुम ही कल को भूल जाओ और आज को याद रखो,
और अपनी बराबरी की कोई लड़की देखो और अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दो। ये घड़ी घड़ी रिश्ते की बातें कर, इधर मत आओ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। नहीं आना दोबारा झंझट लेके इधर। ये क्या है, चाय वाय की जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। लेकिन वो भाई साहब कुछ खाए पिए बिना ही चले। अरे हाँ भाई, गए जाने दो, छोड़ो उसको, बिना कहा है ऊपर अपने कमरे में है। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत उदास है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसे, तुम जाओ। बेटी क्या हुआ, ये खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। नहीं भूख नहीं है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पुराना घर छोड़कर यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐशोआराम की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। देख बेटी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा मैं। अच्छा आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेटी अगर भूखी हो तो फिर बाप की हलक से निवाला कैसे उतर सकता है। चलिए मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ, बैठिए। ये हुई ना बात। ये क्या मजाक? इसी की भूख है ना आपको? बहुत पसंद है ना आपको ये चमकते हुए सिक्के? इन्हीं की खातिर आपने अपना जमीन, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपनी बेटी की किस्मत का फैसला भी बदल दिया। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आपने राजा के साथ मेरा रिश्ता इसलिए तोड़ दिया ना, क्योंकि आप अचानक अमीर बन गए। बाबा हो सकता है कि मेरी शादी के बाद राजा की पोजीशन, उसकी हैसियत आपकी पोजीशन से भी बढ़कर हो जाए। और सुनिए बाबा, रिश्ते गरीबी अमीरी से नहीं बनते, रिश्ते तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, और भगवान के घर से बनकर आने वाले रिश्ते को इंसान नहीं तोड़ सकता। क्या कहा उन्होंने? हम सही भूल हो गए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं करना चाहिए था। मतलब? लेकिन डैडी क्या कहा मीना के पिताजी ने? उसे तुम्हारे बाप की हैसियत, पोजीशन छोटी लगने लगी। उसको अपनी बेटी के लिए एक लखपति, करोड़पति बाप का बेटा चाहिए, जो तू नहीं है। उसको भूल जा बेटा। नहीं डैडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी रोको। नहीं रोक सकता मेम साहब, सेठ जी ने मना किया है। रुक जाओ मीना, मीना राजा, राजा, राजा। मीना रुक जाओ, मेरी बात सुनो मीना, मीना प्लीज गाड़ी रोको, राजा मीना, मीना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं वो तनिक कठिन है, और आज का अध्याय है प्रेम संदेश। प्रेम महज एक क्रिया नहीं, भावना है। ये प्रेम ही की भावना थी जिसके कारण शकुंतला एक व्याकुल हिरनी की तरह अपने दुष्यंत की याद में भटकती रही। ये प्रेम ही था जिसके कारण मजनू सहरा की खाक छानता रहा, अंधी हो गई थी कि उसने हंसते हंसते मौत को गले लगा दी। कि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? एक्सक्यूज मी। अरे बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था विद्यार्थियों? प्लीज एक्सक्यूज, डोंट डिस्टर्ब मी। सर मैं दो मिनट के लिए। ठीक है, जाओ बाहर। थैंक यू सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि प्रेम ही। राजा तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। प्लीज राजा, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा?
मेरी मौत से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा। हाँ मीना, अब मैं एक पल भी तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बाद में मिल लूंगी। मीना, मीना मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। ना जाने मुझे ऐसा डर सा क्यों लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा राजा। कुछ समझने की जरूरत नहीं मीना, चलो मेरे साथ चलो। राजा राजा राजा, मैं भी पुलिस को फोन करके सारे का अंदर करवा देता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? लेकिन किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे भगा कर नहीं ले जा रहे, मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन में होगा, चलो। रे भाई, रे भाई, रे भाई। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है? अरे बात कुछ ऐसी हो गई परेशानी वाली, वो अपना राजा नहीं है राजा। हाँ, क्या हुआ राजा को? वो परसों ने फोन कर दिया था पुलिस को कि राजा मीना को भगा के लेके जा रहा है और पुलिस उसको पकड़ के अंदर कर दिया है। पुलिस ने पकड़ लिया। चल। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं वो राजा की जमानत देने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स। हवलदार राम सिंह, राजा को लॉकअप से छोड़ दो। दोस्त, प्यार करने वाले तो आजाद प्रेम पंछी होते हैं, इनकी परवाज कानून का पिंजरा तो क्या मौत की जंजीरें भी नहीं रोक सकती। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम मीना की जिंदगी हो, मीना तुम्हारी धड़कन। इस धड़कन और जिंदगी के बीच अगर कोई दीवार आएगी तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अरे तुम कौन होते हो मेरे घरेलू मामलात में दखल देने वाले? मैं कौन होता हूँ तुम्हारे घरेलू मामलात में दखल देने वाला? अरे पूछो अपने बीते हुए कल से, वो जवाब देगा कि मैं कौन होता हूँ। पूछो अपनी आत्मा से, अगर वो जिंदा है तो वो जवाब देगी कि मैं कौन होता हूँ। दौलत के ढेर पर बैठकर तुम अपना बीता हुआ कल भूल गए हो परशुराम। दौलत की लालच में तुमने अपना सब कुछ बेच दिया। बेच नहीं दिया है, सब कुछ खरीद लिया मैंने अपनी अकल से। अकल से नहीं, अपनी बेईमानी से खरीदा है। अपनी बेटी का प्यार बेचकर खरीदा है, उसकी खुशियां बेचकर खरीदा है। हाँ हाँ, बेईमानी से खरीदिए। मीना मेरी बेटी है, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मर्जी तुम्हारी नहीं, मर्जी सिर्फ मीना की चलेगी। और मीना की मर्जी है राजा से शादी करना, और ये शादी होकर रहेगी। ओए, बुलाओ अपने मालिक को नीचे। ऊंची आवाज में बात मत करो। ये क्या बदतमीजी है? आपकी मीना का पुराना आशिक है। ठाकुर विक्रम सिंह, अपने इन महलों के ख्वाबों को महलों तक ही रहने देना। किसी गरीब के घर तक ले जाने की कोशिश मत करना, वरना गरीब के दिल से निकली हुई चिंगारी तेरे इस महल को जलाकर राख कर देगी। क्यों, किसी से दिल लगाना गुनाह है क्या? हाँ, दो चाहने वालों की सगाई तोड़वाना गुनाह है, दो दिलों को तोड़ना गुनाह है। मीना के मन में राजा की मोहब्बत है। इंसान दौलत से दुनिया तो खरीद सकता है, मगर किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। हम खरीद कर दिखाएंगे, दुनिया की हर चीज को खरीद कर अपने कदमों में झुका कर दिखाएंगे। तुम्हें मीना को राजा से छीन कर दिखाएंगे। ठाकुर विक्रम सिंह, आगे एक लफ्ज भी कहा तो जड़ से जुबान उखाड़ दूंगा। दिल जले आशिक, ठाकुर साहब के एक इशारे पर यहां तेरी लाज गिर सकती। सर पर कफन बांधकर जीने वाले मौत की हथेली पर भी सीना तान कर चलते हैं। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। दूर हो जा मीना और राजा की जिंदगी से, वरना इस महल को शमशान बनाकर रख दूंगा। सुना, शमशान बनाकर रख दूंगा। ठाकुर साहब, लगता है ये हमारे रास्ते का सबसे जहरीला कांटा है। जी करता है साले को गोली मार दो। गोली जरूर मारेंगे, लेकिन पिस्तौल से नहीं, दिमाग से। दिमाग से मारेंगे। अजय बाबू, अजय बाबू। क्या बात है?
मेरा नाम बख्शी है, मैं मेजर साहब के पड़ोस में रहता हूँ। मेजर साहब को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। कौन है तुम लोग? अभी बताते हैं हम लोग कौन है। भाई अजय, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर हम बहुत बेचैन हो उठे, इसलिए तुम्हारी खैरियत पूछने यहां तक चले आए। वैसे अजय, तुम अपने आप को इस चार दीवारी में कभी अकेला मत समझना। यूं समझ लो कि तुम कानून के नहीं, हमारे मेहमान हो। फांसी से पहले अगर तुम्हारी कोई भी तमन्ना हो तो बता देना, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक भाई बनकर अपनी बहन की इज्जत लूट ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे, जाएगा कहा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे। तस्वीर ला। नहीं। तस्वीर ला। नहीं, नहीं, नहीं। क्या? छोड़िए अपनी जिद को, किस काम की ये दौलत? अगर मीना को कुछ हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा उसको, ये सब चार दिन का बुखार है, उतर जाएगा खुद ब खुद। इसलिए मुझे भाषण देने की कोशिश मत किया करो। मैं तुम्हें लेने आया हूं मीना, चली आओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, चली आओ मीना। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता है मीना, प्लीज चली आओ, चली आओ मीना। अगर तुम नहीं आई, अगर तुम नहीं आई मीना, तो मैं इसी वक्त तुम्हारी चौखट पर अपनी जान दे दूंगा। हाँ, अपनी जान दे दूंगा मीना। राजा, राजा मैं आ रही हूं, आ रही हूं तुम्हारे पास। कहाँ जा रही? मैं राजा से मिलने जा रही हूँ। कोई राजा कोई प्रजा नहीं, चल अंदर। नहीं बाबा, आज मैं नहीं रुकूंगी, और आप भी मुझे न रोकें तो अच्छा होगा। मुझसे जबान लड़ाती है? कर ले सितम ए जमाने, लाख कर ले
लाख कर ले सितम ए जमाने, लाख कर ले सितम ए जमाने। उसका नाम मत लेना, वरना उसे गोली मार दूंगा। अब जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। अच्छी बात है। ए, फेंक दो उसे।
राजा 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 उठ। ए भगवान, इसकी हालत किसने कर दी है? डॉक्टर हॉस्पिटल। यस मैडम। हेलो हेलो लोटस हॉस्पिटल। यस। जरा जोर से बोलिए ना। हेलो। देखिए, अभी अभी वहाँ एक पेशेंट दाखिल हुआ है, उनका नाम राजा है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? वो बहुत सीरियस है। मीना 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 जय भाई जय भाई जय भाई, गजब हो गया। क्या हुआ? वो अपना राजा है ना राजा? हाँ हाँ, क्या हुआ राजा को? वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है और बेहोशी की हालत नहीं, मीना मीना चिल्ला रहा है। लगता है अगर उसे मीना नहीं मिली ना, कहीं मर ना जाए बेचारा। जय भाई, चल के उसे बता लो। चलो। तेरी जेब में कितने पैसे? यही कोई 500-700 रुपया होगा। ला दे। ए, सुनो, टाइम हो गया, चलो जाओ जाओ। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने राजा की तबीयत के बारे में पूछा था ना, अब वो कैसा है? कितनी बार फोन करेंगे आप? फोन रख दीजिए। देखिए प्लीज आप। ए, सुनो, भागने की कोशिश ना करना, ये मत समझना कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। रुपए? इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। पर नीचे बहुत पैरा है। कोई पैरा वैरा नहीं, चलो। वो राजा की तबीयत बहुत खराब है, बेहोशी की हालत में मीना मीना पुकार रहा है, इसका जाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, प्लीज। क्या सोच रही है माँ जी? जाने दीजिए इसे, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। जा बेटी, जा। चलो। राजा, राजा आंखें खोल, देख मैं तेरी मीना को ले आया। पुलिस स्टेशन? जी। देखिए, मैं सेठ परसराम बोल रहा हूँ, एक बदमाश मेरी लड़की को घर से भगा के ले गया है। क्या नाम है उसका? मोटर मैकेनिक अजय। कम ऑन। सुनो, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, ढूंढो उसे। Thank you.
ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी बेटी सो रही है। दरवाजा खोलो। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। सुनो, वो खूनी अजय पुलिस की लॉकअप से भाग गया है। क्या आया क्या? यहाँ पर कोई नहीं आया इंस्पेक्टर, कोई नहीं आया। मेरी बेटी सो रही है, सोने दो उसको। जाओ, चले जाओ। चलो। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब सब रुट गए मुझसे, मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया इस दुनिया में। मुझे ऐसे मत देखो मेजर, तुम सोच सकते हो कि मैंने तुम्हारी बेटी का खून किया है? नहीं, नहीं बेटा, नहीं। तू मेरी बेटी का खून क्यों करेगा? एक भाई अपनी बहन का खून क्यों करेगा? जिस दिन भाइयों ने अपनी बहनों का खून करना शुरू कर दिया, दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शांत हो जाओ मेजर। मेरी बेटी ने किसका क्या बिगाड़ा था बेटा? क्यों मेरी बेटी को मार डाला? क्यों मार डाला? तुम फिक्र मत करो मेजर, जिसने भी तुम्हारी बेटी का खून किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेजर, हाँ, कसम है मुझे तुम्हारी बेटी की, मैं उस कातिल को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा, कसम है। मस्ती आ जाएगी मेरी जान। ये क्या मतलब है? कह रहे हो तुम? सुधीर मारा गया? सुधीर क्या, अगर ये यहां रहा तो एक दिन एक एक करके सब मारे जाएंगे। आप जानते नहीं सर, मैं अजय को जानता हूं, वो सरपिरा बचपन से जानता हूं उसको। उससे बचने का एक ही तरीका कि आपकी और मीना की जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए, क्योंकि एक बात तो है, वो सब कुछ करेगा मगर मीना के सुहाग को मिटने नहीं देगा। हाँ। आप शादी कर लीजिए सर। हाँ। शादी कर लीजिए। हाँ भाई, भाई क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? बात कुछ ऐसी है, मीना के पिताजी उसकी शादी सेठ जी कमीने बेटे विक्की के साथ जबरदस्ती करने जा रहे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब क्या करेंगे? चल चलो। तुम दोनों कौन हो? हाय अल्लाह, अरे मर्दूत, तू हमें नहीं जानता? मैं हूं नफीसा, ये हफीसा, हम दोनों शरीफा दर्जन की बेटियां हैं। अरे अरे इधर नहीं, उधर लेना है। उधर लेना है? हाँ। अरे तू जहाँ कहेगी वहाँ ले लूंगा, ले लूंगी। अरे कमाल है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन यहाँ किस लिए आई हो? वो क्या है कि मीना मेम साहब का नाप लेने आए हैं। हाँ,
शादी का जोड़ा जो बनाना है हमने, अरे तूने शादी किया नहीं, करेगा शादी, मनाएगा सुहाग रात मेरे साथ, आके लेती हूँ तेरा नाम। आजा बहन आजा, चल 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 चल। पहुंची भी चीज है यार। हाँ यार। मीना जी, मीना जी, कौन हो तुम? मैं नफीसा, यह नफीसा। मेरा मतलब मैं परदेसी थी मैं। पर तुम यहाँ कैसे हैं? लगवा देकर। राजा और जया दोनों वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं जी आपका। पर मैं क्या बात है बेटी? माँ, अजय और राजा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे प्लीज जाने दो ना माँ। लेकिन बेटी तू कैसे जा सकती है, नीचे इतने पहरे लगे हुए हैं। माँ जी बुरका किस दिन काम आएगा? हाँ माँ प्लीज माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ माँ इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं। मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पकड़ती हूँ। ठीक है बेटी तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है जी, जल्दी करो। बेटी अपना ख्याल रखना बेटी। माँ आई लव यू माँ, थैंक यू माँ। चलो जी। अजय तुम ठीक तो हो ना? हाँ राजा। राजा हाँ, तुम मीना को लेकर मंदिर पहुंचो, मैं पंडित को लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। ये लो। चलो। अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, अजय अभी तक नहीं आया। लगता है अजय आ गया। वो रहे दोनों। ये तो विकी के गुंडे हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उधर है वो, चलो चलो जल्दी। वो जा रहे हैं। Thank you.
मीना। शादी के मौके पर किसी गैर मर्द के साथ भागते हो तो शर्म नहीं आई? शर्म? शर्म क्या होती है जानते हैं आप? शर्म का मतलब समझते हैं आप? अरे अगर आपको शर्म होती तो अपनी बेटी को किसी अरे गहरे के हाथ नहीं बेचते थे। अगर बेचना है तो सरे बाजार जाकर अपनी बेटी को नीलाम कर दीजिए, शायद वहां आपको इस बेईमान से भी बड़ा खरीदार मिल जाए। अपनी जबान को लगाम दे। अगर तुम में जरा भी गैरत है तो अपने दिमाग से मेरे साथ शादी का ख्याल निकाल दो। शादी तो तुझसे ही होगी, अभी और इसी वक्त। बुलाओ इसकी मां को। अगर तुझे अपनी मां प्यारी है तो 10 मिनट के अंदर दुल्हन बनकर नीचे आ जाना, वरना हम तेरी मां को गोली से मार देंगे। समझ गई? रोती रे, तेरी तकदीर में रोना ही लिखा है। बेटी करोड़पति के साथ ब्याही जा रही और ये आंसू आ रही है। काश मेरी 4 बेटियां होती, चारों करोड़पतियों को ब्याह देता और मैं शहर का सबसे बड़ा करोड़पति बन जाता। तकदीर खराब है। साला मुझे मरने आया था। अरे बाप रे, जिंदा है, भागो। आसानी से मरने वाला नहीं,
अभी तो तेरी आंखों के सामने राजा और मीना की शादी करानी है। चल। पंडित, शादी की तैयारी करो। अजय, 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 ये सब कैसे हो गया? मीना, जाओ जाके शादी के मंडप में बैठ जाओ। वक्त बहुत कम है मेरे पास। नहीं, इस हालत में शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मीना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी मैं अपनी आंखों से देखूं। जाओ। राजा, देर मत करो। जाओ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लालच लड़ना कर दिया था, मुझे दौलत की लालच लड़ना कर दिया था। मैं अपने पराओं को पहचानना भूल गया था। मेरे बेटी का सुख जला डाला, मैंने अपने घर की शांति डाला डाला। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अजय, आंखें खोलो। अजय, अजय, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अजय, अजय, तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? हाँ, आंखें खोलो, तुम्हें मेरी कसम।